In my previous video, I have discussed about the paper 5, paper 4, paper 5, paper 3, and paper 2, and paper 1 respectively. And today I am going to discuss about the optional paper which are being provided by UPSC Civil Service Examination mains. And these two optional paper are consist of paper 6 and paper 7, which are basically any optional you can take from the list mentioned below in my above videos. Now, we can take any optional respective of your interest and how come you can write the answers based upon your selection of optional subjects. Now let me discuss about the optional paper which I had chosen, which is geography. And I am been underlining the word geography means, you can see here, geography. And what this means of geography is all about earth science. We can say the combination of earth science and meteorology, or the study of earth. Can say geography. Geo means geological, earthography. What are the latitude, longitude, variable values for the mountains, plateaus? These are the things which we will be discussing in this geography paper. Hopefully, in this video, I will be discussing in detail syllabus of geography and what are the subject or what are the topic which we will be delivering in this geography chapter. We will be having a clear gist about this. हम इसमें जियोग्राफी के बारे में बातचीत करेंगे और जियोग्राफी में जो जो कॉन्सेप्ट्स आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. पहला है जनरल जियोग्राफी, वो कि जनरल सिस्टम. और जनरल जियोग्राफी मतलब वो सामान्य जियोग्राफी. सामान्य जियोग्राफी, सिंपल जियोग्राफी, यू कैन से दैट. व्हाट आर द टॉपिक्स विच रिलेटेड टू जनरल जियोग्राफी विच आर रियली एलिमेंट्री बेसिस. वी कैन से दैट द जियोग्राफी विच इज़ बीन पब्लिश बाय एन सी ई आर टी बुक्स जो पब्लिश किए हैं जियोग्राफी में, वो सारा डिस्कस करेंगे. और मेरा अगला वीडियो में सारा एक पार्ट्स में मैं बताऊंगा कि ये जनरल ज्योग्राफी क्या होता है. आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, अबाउट सोलर सिस्टम, मेटल्स एंड ओरिजिन ऑफ इंटर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर. एंड आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल्स. नाउ यू कैन सी द जिस्ट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक विच विल बी डिलीवरिंग बाई UPSC मेन्स एग्जामिनेशन. द सेकेंड कम्स फॉर जियो मॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग. एंड इसमें क्या है, रिमोट सेंसिंग के बारे में हम बात करेंगे, और जो कि वेदर फोरकास्टिंग है और सॉयल साइंस भी है, और इस सभी के बारे में हम बात करेंगे जियो मॉर्फोलॉजी और रिमोट साइंस में. वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेंसर सिस्टम्स, रिमोट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स एंड जियोग्राफी ऑफ GIS, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड GPS. मैं अंडरलाइन करूंगा जो कि जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा वीडियो में. और कैन से वी विल डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल्स. थर्ड आऊँगा मैं स्ट्रक्चरल जियोग्राफी के बारे में. स्ट्रक्चरल जियोग्राफी में क्या हम पढ़ेंगे, वहाँ पहला है प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफिकल मैपिंग एंड मैपिंग रीडिंग. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द सेगमेंट्स और व्हाट आर द एरियाज बाउंडेड बाई डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज एंड or we can say that countries in all over the world. And we'll be discussing about the projection diagram, stress and strain ellipsoid, and stress and strain relationship of elastic. And hum jo bhi BMPM, we can say that basic mechanics and properties of matter mein hum जो भी पढ़ेंगे वो सारा स्ट्रक्चरल जियोग्राफी के बारे में है. इसमें हम इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम डिफरेंट ग्राफ्स भी ड्रॉ करेंगे. और द ग्राफ्स विच शोइंग अबाउट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोग्राफी. स्ट्रक्चरल जियोग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. नाउ लेट कम्स फॉर पैलेटोलॉजी. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज स्पीशीज ओरिजिन. हम उसका साइंटिफिक, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का साइंटिफिक नाम, और वी विल डिस्कसिंग अबाउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मोर्स एंड द एम्फीबियंस. वी कैन से दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. और वी कैन से वी कैन रिलेट समवॉट टू एंथ्रोपोलॉजी. एंड यू कैन सी दिस गोंडवाना फ्लावर्स, फ्लोरा एंड फाउना एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, टेक्स्ट फॉसिल एंड फॉलन सिग्निफिकेंट, जो कि हम क्लास सिक्स या फिर क्लास सेवन जो भी पढ़े हैं वो सारा रिलेटेड है. इंडेक्स ऑफ प्रोफाइल और कैन से दैट रेड डाटा बुक विल बी कमिंग अंडर दिस पेटल. नाउ लेट डिस्कस अबाउट इंडियन स्ट्रेटेजिक
इंडियन स्टेरीग्राफी, व्हाट इज़ दिस इंडियन स्टेरीग्राफी, इंडियन स्टेरीग्राफी क्या है, बात के स्टेरीग्राफी क्या है, सॉरी इंडियन स्टेरीग्राफी, लेट मी डिस्कस अबाउट दिस, व्हाट इज़ दिस इंडियन स्टेरीग्राफी। इंडियन स्टेरीग्राफी क्या बताता है हमको, वो बताता है कि हम जैसे पढ़े हैं लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फीयर, इस स्पीयर्स में जो भी है, जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, व्हाट आर द व्हिच एवर रिसोर्स वी यूजुअली गेट फ्रॉम दिस डिफरेंट स्पीयर्स, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस इंडियन स्टेटिग्राफी, वेयर द रिसोर्सेज विच विल बी अवेलेबल इन लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट दिस ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल्स फ्रॉम MS हुसैन, द बुक प्रेफर्ड इज़ MS हुसैन। जो भी बुक प्रेफर करना चाहता हूँ वही MS हुसैन, जो कि जियोग्राफी में बहुत 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 डिटेलली एक्सप्लेन किया है जियोग्राफी के बारे में, फॉर स्पेशली ओनली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रो जियोग्राफी एंड इंजीनियरिंग जियोग्राफी। व्हाट इज दिस हाइड्रो जियोग्राफी और इंजीनियरिंग जियोग्राफी ऑल अबाउट? दिस हाइड्रो जियोग्राफी और इंजीनियरिंग जियोग्राफी इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज विच इज बीन अवेलेबल, और द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज टू प्रोवाइड नेचुरल एनर्जी, और कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ इलेक्ट्रिसिटी बी जनरेटेड फ्रॉम जियोग्राफी, और व्हाट आर द रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, by utilizing that we will be getting our productive utilization of our different daily use consumptions. Now we'll be discussing in detail about this in sixth hydro geography and engineering geography. इसमें क्या है, हम जो कि हम नेचर से पाए जाते हैं, जो कि हमारे रिसोर्सेस नेचर से पाए जाते हैं, और नेचर के पाए जाने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करें, यूटिलाइज मतलब वी कैन से दैट हाउ टू मेक ए प्रॉपर यूज ऑफ इट, जो कि हम प्रॉपरली यूज़ कैसे कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। हम चाहते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, इसी तरह हम इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे सिक्स चैप्टर में, वो है हाइड्रो जियोग्राफी एंड इंजीनियरिंग जियोग्राफी में। और दूसरा वीडियो में बताऊँगा कि पेपर टू वो भी जियोग्राफी में है, और पेपर सेवन मीन्स पेपर सिक्स एंड सेवन, पेपर टू और टू, पेपर वन एंड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट में विभाजित हुआ है। So in my video, in the next video, I will be discussing about paper